सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि 25 नंबर पर किसको प्राइवेट कॉलेज मिली है, 36 नंबर पर किसको गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, कैसे मिली है और किसकी वजह से मिली है, किस कारण से मिली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स को हमने कॉलेज दिलवाई है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी काउंसलिंग हमने करी थी और हमारी वजह से ही इनको जो है कॉलेज मिली है। 25 नंबर पर, 36 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज, 25 पर प्राइवेट कॉलेज। तो 25 नंबर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखो 25 नंबर पर जो है वो प्राइवेट कॉलेज जो है इनको मिल गई है ना। और इनका नाम था ध्रुति शर्मा। EWS सर्टिफिकेट इन्होंने लगाया था। EWS की वजह से 10 नंबर इनके क्या हो गए थे, कम हो गए, और इनको जो है प्राइवेट कॉलेज मिल गई, सरस्वती नर्सिंग कॉलेज दौसा इनको मिल चुकी है, यानी 25 नंबर पर। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। इसके बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि 36 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। इनकी भी काउंसलिंग हमने करी थी और इनको श्री गंगानगर की गवर्नमेंट कॉलेज इनको मिली है और इनकी भी जो काउंसलिंग थी वो हम ही ने करी है। अब अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं हमसे और आप भी अपना लक आजमाना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि भैया कम नंबर हैं, अब हमें पता कॉलेज तो मिलेगी नहीं, लेकिन आप एक बार अपने तरीके से करो, बाई चांस हमें कॉलेज मिल जाए, तो आप जो है हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। देखो 25 नंबर के बाद 26 नंबर पर भी हमने कॉलेज दिलवाई है, उसका भी हमने पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो 25 नंबर, 36 नंबर और 31 नंबर, 33 नंबर, 35 नंबर, इन पर भी हमने कॉलेज दिलवाई है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अब देखो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो 9828306559 इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अब देखो इसका ₹500 चार्ज है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब भैया अगर मान लो हमने आप लोगों से काउंसलिंग करवाई, सेकेंड राउंड में हमें कॉलेज नहीं मिली, तो हम थर्ड राउंड की भी आप लोगों की इस ₹500 में ही आप लोगों की थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी करेंगे। देखो 90% चांस ये रहेगा कि आपको कॉलेज मिल जाए सेकेंड राउंड में। बाई चांस अगर 10% नहीं भी मिल पाती है तो आप लोगों की थर्ड राउंड की काउंसलिंग हम करेंगे, और थर्ड राउंड में हम कैसे भी करके आप लोगों को कॉलेज दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो 9828306559 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि भैया अगर जिन स्टूडेंट्स ने सेकेंड राउंड काउंसलिंग, मतलब जिन्होंने को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर कॉलेज नहीं मिली है, तो क्या वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग करवा सकते हैं? तो बिल्कुल आप जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर कॉलेज मिल गई है, क्या वो भी सेकेंड राउंड करवा सकते हैं? तो इसके बारे में मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और चलो मैं इसी वीडियो में फिर आप लोगों को बता देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता देता हूं। देखो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिनको कॉलेज मिल गई है, अब वो ये चाहते हैं कि भैया हम सेकेंड राउंड काउंसलिंग भी हम करवाना चाहते हैं, तो हमारा क्या प्रोसीजर है? तो आपको जो कॉलेज मिली हुई है, मान लेते हैं आपको ये कॉलेज मिल गई है ना, ये वाली कॉलेज आपको मिल गई है, अब आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग करवानी है, तो पहले जाना है इस कॉलेज के अंदर, आप लोगों को रिपोर्टिंग करवानी है, फीस जमा करवानी है, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जमा करवाने हैं, इसके अंदर रिपोर्टिंग करवानी है, फीस जमा करवानी है, डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, अब आप जो है एलिजिबल हो जाओगे सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए, यानी अब आप जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये है कि भैया हमें सेकेंड राउंड काउंसलिंग नहीं करवानी है, हमें कॉलेज चेंज करवानी है, कॉलेज चेंज करवाने का क्या प्रोसीजर है? तो सुनो, अगर आपको कॉलेज चेंज करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको कॉलेज मिली है, ये वाली कॉलेज आपको मिली है, इसके अंदर वही करवाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करवानी है, इसके अलावा
फीस जमा करवानी है और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लो आपको कॉलेज चेंज करवानी है, यहाँ से आप लोगों को, जैसे आप लोगों को करौली की कॉलेज मिल गई है, अब आपको जाना है भरतपुर में, तो क्या करना है, तो यहाँ से आप लोग जो है, आप लोगों का एक अपग्रेडेशन का फॉर्म होता है, और उस अपग्रेडेशन के फॉर्म में, यहाँ पर आप लोगों का एक अपग्रेडेशन का फॉर्म खुलता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप क्या, आपकी कॉलेज अपग्रेड करना चाहते हैं या अपग्रेडेशन करना चाहते हैं या अपवर्ड मूवमेंट करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर यस टिक करना है, यहाँ पर होगा आप लोगों का एक सबमिट का बटन, आप लोगों को सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, अब आपका अपग्रेडेशन का फॉर्म जो है फिल हो चुका है। अब क्या होगा, अब आपके ऊपर, मतलब आप लोगों को जैसे 70वें नंबर की कॉलेज अलॉट हुई है, आप लोगों ने 57 कॉलेज टोटल भरी है, 70वें नंबर की कॉलेज आपको अलॉट हुई है। अब 17 से ऊपर जितने भी कॉलेजेज हैं, अगर उनमें से किसी कॉलेज के अंदर सीट खाली है, तो वहां आप लोगों को जो है कॉलेज मिल सकती है। और यहां से आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे, कहां पर, यहां पर जो आप लोगों को कॉलेज में आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे, आपकी जो फीस है वो भी यहां से आप लोगों की ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं फिर एक चीज कहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स को कम नंबर पर भी कॉलेज चाहिए वो हमसे काउंसलिंग करवा सकता है, उसके लिए आप लोगों को इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, 500 रुपये फीस है, मैं आप लोगों की हम काउंसलिंग करेंगे। और जैसे मैंने बताया 25 नंबर और 36 नंबर पर हमने कॉलेज अलॉट करवाई है, तो आप करवा सकते हैं। बाई चांस आपका अगर लक अच्छा है तो आप लोगों को भी जो है कम नंबर पर भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिल सकती है, तो काउंसलिंग जरूर करवाएं। और मैंने पहले भी बोला था, अगर आपके 20 नंबर भी हैं, 25 नंबर भी हैं, तो आप काउंसलिंग जरूर करवाएं, आप लोगों को कॉलेजेस मिल सकती है। बट आप में से बहुत सारे ज्यादा समझदार थे, उन्होंने काउंसलिंग ही नहीं करवाई। अब सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाने के लिए आप लोगों को ऑप्शन ही नहीं आएगा, यानी जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं करवाई है उनको सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए ऑप्शन नहीं दे रही है यूनिवर्सिटी, उनको थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद में ऑप्शन दिया जाएगा। और थर्ड राउंड तक आप यह समझ सकते हैं कि ज्यादातर कॉलेजेस की जो सीटें हैं वो फिल हो जाएंगे, तो फिर आप लोगों के लिए फिर बहुत कम चांस रहेगा कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। तो अभी फर्स्ट राउंड के बाद में, सेकंड राउंड में तो चांस ये रहता है कि अभी जैसे मान लेते हैं कि 5000 सीट जो है वो बुक हुई है, 5000 सीटें जो है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर बुक हो गई है, जिनमें से 4000 सीटों के ऊपर बच्चे रिपोर्टिंग करवा रहे हैं और 1000 सीटें तो आप लोगों की वापस से यहीं पे बच गई। अब क्या करना है कि जैसे 4000 बच्चे रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चे कॉलेजेज जो है सीट खाली कर रहे हैं, मतलब दूसरी कॉलेजेज में ये जा रहे हैं, तो मतलब यहां से अगर मैं बात करता हूं कि 4000 मान लेते हैं, तो अब आप लोगों के पास में अभी भी 6000 सीटें बची हुई है सेकंड राउंड में। तो सेकंड राउंड में फिर से मैं मान लेता हूं कि 4000 सीटें फिर से आप लोगों की भर गई है, जिनमें से फिर आप लोगों की जो है वो 3500 के लगभग स्टूडेंट जो है रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, फिर आप लोगों की सीटें बच जाएंगी। उसके बाद में जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो 2500 के लगभग फिर आप लोगों के पास में सीटें बच गई। अब थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा, थर्ड राउंड काउंसलिंग में मान लेते हैं 2000 सीटों के ऊपर जो है सीटें अलॉट हो गई, 500 सीटें बच गई। अब फोर्थ राउंड काउंसलिंग होगी, जो कि आप लोगों को, जिनमें कि आप लोगों के फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड, चारों काउंसलिंग के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपका कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, 500 सीटों के ऊपर बहुत सारे बच्चे रहेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवा लोगे तो आप फायदे में रहोगे, क्योंकि फीस एक बार ही लगेगी, 500 रुपये या 550 रुपये का जो टोकन है वो एक बार कटेगा, फिर आप उससे जो है बार बार करवाओ ना काउंसलिंग। इसलिए मैंने पहले बोला था कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवाना सभी को जरूरी है, आप करवा लो। बट बहुत सारे समझदार थे तो उन्होंने नहीं करवाई है, तो अब भुगतो आप भाई, है ना, ठीक है। बाकी अगर आपको फिर भी अगर काउंसलिंग करवानी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके करवा सकते हैं। मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।